नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत ने पाकिस्तान की सीमा से लगे गांवों को खाली कराया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते सीमा से सटे 1000 से ज्यादा गांवों को खाली करा लिया गया है। इनमें से अधिकतर गांव पंजाब के हैं। सभी गांवों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पुलिस कर्मियों, डॉक्टरों, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। गांव के सरपंचों को इस बाबत हिदायत दे दी गई है कि सभी गांव हाई अलर्ट पर है। खाली कराने का मकसद यह कि यदि पाकिस्तानी क्षेत्रों में कोई फौजी कार्रवाई करता है तो उसकी चपेट में कोई आम नागरिक ना आए। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद हमले की आशंका के चलते भारतीय सेना के 3 अंग हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के अनुसार यदि पाकिस्तान ने पलटवार किया तो मात्र 5 मिनट के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब वायुसेना देगी। वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर नौसेना ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी क्या प्रतिक्रिया देता है। रेलवे की नई सौगात, प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को भी मिलेगी अब सीट। रेलवे ने ऐसी सीटों के अंतरण की सुविधा की घोषणा की है जो दूसरा चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन पर खाली रह जाएगी। उन्हें अगले स्टेशन पर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को वहां आवंटित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आरंभिक स्टेशन पर उपलब्ध खाली सीटों को बाद के स्टेशनों पर जहां प्रतीक्षा सूची के यात्री उपलब्ध होंगे उन्हें सीट आवंटित कर दी जाएगी। यात्री को उनके पंजीकृत मोबाइल पर SMS प्राप्त होगा जिसमें आवंटित कोच और बर्थ संख्या के बारे में बताया जाएगा। यह रोड साइड स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट पाने में मदद करेगा। फिलहाल ऐसे यात्रियों को कंफर्म सीट तभी मिलती है जब स्टेशन के लिए आवंटित पुल कोटा की कंफर्म सीटें रद्द होती है। फिल्म निर्माताओं के संगठन इम्पा ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाया। फिल्म निर्माताओं के संगठन इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर उरी हमले की पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी कलाकारों के हिंदी फिल्म उद्योग में काम करने पर रोक लगा दी है। इम्पा के अध्यक्ष और निर्माता TP अग्रवाल ने बताया कि इम्पा ने अपनी आम सभा में प्रस्ताव पारित किया कि इस संस्था के सदस्य निर्माता किसी पाकिस्तानी कलाकार को अपनी फिल्म में नहीं लेंगे। इससे पहले राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था।